हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूचैम्प लाइव क्लासेस। जैसे कि हम आपके लिए डेली करंट अफेयर का टॉप जो है डिस्कशन लेके आते हैं, वीडियो लेके आते हैं, जिसके कि आपकी हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स आते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज का जो अपना आज जैसे 21 दिसंबर है और आज का जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स बन रहे हैं वो सारे अपन आप इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया? तो वो है माधवी दीवान। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने माधवी दीवान को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए जाने को मंजूरी प्रदान की। वे 30 जून 2020 तक है ना इस पद पे रहेगी। तो कौन है? हाल ही में किसे नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? वो है माधवी दीवान। और वो कब तक रहेंगी इस पद पर? 30 जून 2020 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में FICCI का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है उदय शंकर। हाल ही में स्टार इंडिया के CEO व चेयरमैन उदय शंकर को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष चुना गया। तो कौन है उदय शंकर? वो अभी जो रिसेंटली क्या है, हाल ही में वो स्टार इंडिया के CEO चेयरमैन है। ठीक है, तो इनको जो FICCI का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 2018-19 के लिए उपाध्यक्ष चुना गया है। उदय शंकर फिक्की जैसे राष्ट्रीय उद्योग चैम्बर में नेतृत्व संभालने वाले पहले मीडिया व मनोरंजन के क्षेत्र के पहले एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो है रामफल पवार। एनसीआरबी के निदेशक कौन है? रामफल पवार को निदेशक चुना गया है। तो वे पश्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी हैं। वो करंटली क्या है? पश्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले वे NAT ग्रिड में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। NAT GRID में जो नेट ग्रिड है उसमें जो आपके ना संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया जो निदेशक है वो कौन है? किनको चुना गया? रामफल पवार। और जो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है क्या। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत के रूप में की गई थी, जिससे कि अपराध को अपराधियों से जोड़ने में खोजकर्ताओं को सहायता मिल सके। इसका मुख्य जो न्यायालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो जो NCRB है उसको क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 11 मार्च 1986 से, ताकि अपराध और जो अपराधियों की जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इसको कंप्लीट इसका मतलब संग्रह कर और स्रोत के रूप में मतलब कि उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके। जो भी आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई केसेस हो जाते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये पहले किस अपराध से जुड़े हुए अपराधी हैं, या फिर इनका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आजकल रखने लग गए हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हर बंदे की, तो इनकी जो रिकॉर्ड है वो रखने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1986 में। और इसका मुख्य न्यायालय वो है न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव 5593 को पारित करके की थी। इस वर्ष की थीम सम्मान के साथ विद डिग्निटी। ये मैंने पहले भी जो 20 मतलब ये 2 दिन पहले शायद मैंने अब बताया था आपको 18 दिसंबर को कि ये इसके जो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस था उसको क्यों मनाया, किस उसकी थीम क्या थी? तो वो था सम्मान के साथ मतलब विद डिग्निटी। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की चुनौतियों का सामना करने, प्रवासियों के अधिकारों को मजबूत करने और धारित विकास में योगदान के लिए वैश्विक समझौते का अंतिम प्रारूप तैयार किया है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि उनके जो अधिकारों को अधिकारों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है, मतलब इसी में अपन कंटिन्यू करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश एकत्रित हुए। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े जो भी UN से जुड़े जितने भी सदस्य कंट्रीज हैं वो सब इकट्ठे हुए और इनके विभिन्न पहलुओं पे विचार विमर्श किया। ये ऐसा पहला समझौता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित सभी पहलुओं पर सभी देशों ने चर्चा करके हामी भरी है। हालांकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इसमें प्रवास संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 23 उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। अमेरिका इसमें मतलब कि आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो दिवस मनाया जाता है उसमें कौन शामिल नहीं है? अमेरिका शामिल नहीं है। तो इसमें यह आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा देश शामिल नहीं है। इसमें प्रवास संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 23 उद्देश्य निश्चित किए गए। कितने उद्देश्य हैं? 23। वर्तमान में विश्व भर में लगभग 25 करोड़ से अधिक प्रवासी हैं। वे विश्व की कुल जनसंख्या का 3% हिस्सा है, परंतु वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान 10% है। तो आगे है, इससे उनके मूल देश के विकास में भी काफ़ी वृद्धि होती है। इस समझौते की शुरुआत 2017 में ही शुरू हो गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स पर सहमति प्रकट की थी। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है, जो भी आपके जो प्रवासी दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है, सब कुछ। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने आंसर भी बता दिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपना, हाल ही में पंडित अरुण भादुरी का निधन हुआ। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे संगीत से। उनका जो वो क्या थे, किस फील्ड से थे? वो संगीत से। ये भी मैंने पहले बताया है कि हाल ही में जो उनका निधन हुआ, किसका निधन हो गया, तो वो उसके शास्त्रीय गायक, कौन से शास्त्रीय गायक का निधन हुआ। तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हुआ था और आज अपने इसको फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो पंडित अरुण भादुरी थे उनका निधन हुआ था, वो किस फील्ड से थे? तो वो किससे थे? शास्त्रीय गायक थे वो और संगीत से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनका जो उनकी डेथ हुई थी वो 17 दिसंबर को हुई थी और उनकी जो आयु थी वो 75 वर्ष थी और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है। पंडित अरुणा भादुरी का जन्म 7 अक्टूबर 1943 को पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ था। उनके गुरु मोहम्मद दाऊद खान थे। गुरु कौन थे उनके? मोहम्मद दाऊद। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा अर्थशास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। वे किराना तथा रामपुर घराना के विशेषज्ञ थे। वे विभिन्न श्रेणियों के मिश्रण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बंगाली में भी कई गीत व भजन गाए थे। उन्हें 2014 में पदम विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो अरुण भादुरी थे उनको 2014 में पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। वे आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी में गुरु रह चुके हैं। कहाँ गुरु रह चुके हैं? आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी। नेक्स्ट, 37वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो है पुणे। पुणे में ये 37वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2018 आयोजित की जा रही है। ये जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2018 को हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक रोवर्स तथा कोच हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 22 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, इसमें कितने रोवर्स और कोच हिस्सा ले रहे हैं? 500। और ये कब से? 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। और कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र के पुणे में। इस प्रतियोगिता के आधार पर विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2019 के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और विश्व रोइंग चैंपियनशिप 2019 टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए पहली क्वालिफाइंग चैंपियनशिप है। ठीक है, तो ये जो भी इसमें ना क्वालिफाइंग मतलब ये क्वालिफाइंग एक तरह से चैंपियनशिप है, जो कि 2019 में जो चैंपियनशिप होगी उसके लिए इसमें जो क्वालिफाई होंगे वो उसमें चयन होगा उनका 2019 की चैंपियनशिप के लिए। आगे, हाल ही में तुलसी गिरी का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उन जिनका निधन हुआ। तो अभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाल ही में जिन नेपाल के जो प्रधानमंत्री है जिनका निधन हुआ उनका नाम क्या है? तो वो तुलसी गिरी जी हैं जिनका निधन हो गया 18 दिसंबर को। वो 92 वर्ष के थे और 26 सितंबर 1926 नेपाल के सिराहा में उनका जन्म हुआ था। वे 1959 से 60 में कांग्रेस सरकार के मंत्री थे। वे 1963, 64 और 65 में नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। वे 1975 से 1977 के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की। वे नेपाल में पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, आगे, नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर किया है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो नीति आयोग क्या है, योजना आयोग के ही की जगह नीति आयोग बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था और उसके बाद में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और उसकी जगह अब नीति आयोग की स्थापना की गई है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। ठीक है, हाल ही में भारत के किस सैन्य विमान में उड़ान भरने के लिए मिश्रित बायोजेट ईंधन का उपयोग किया गया? तो हाल ही में जो भारतीय के किस सैन्य विमान में उड़ान भरने के लिए मिश्रित बायोजेट ईंधन का उपयोग किया गया, तो वो है AN-32। ठीक है, AN-32 सैन्य विमान है जिसमें उड़ान भरने के लिए बायोजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। 17 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान में मिश्रित जैव ईंधन का उपयोग किया गया। भाई ये एक परीक्षण उड़ान थी। ये परीक्षण उड़ान कर्नाटका के बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के परीक्षण स्थल में भरी गई थी। इस परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO, विमानिकी गुणवत्ता महानिदेशालय तथा CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने मिलकर कार्य किया था। तो इन संस्थानों ने मिलकर DRDO, CSIR और विमानिकी गुणवत्ता महानिदेशालय ने मिलकर इसकी जो है ना मिलकर इस पर कार्य किया था। ठीक है, तो इसमें बायोजेट इंजन का प्रयोग हुआ है। और अभी मैंने एक और बताया था, एक वीडियो और मैंने अपलोड किया है G-SAT-7A का, जो कि मैंने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको ना लॉन्च किया गया है अभी 19 दिसंबर को, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में अपलोड करी। तो आप उसको भी ज़रूर देखें, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इसरो ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता, तो वो है श्री श्रेणी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? श्री श्रेणी ने, भारतीय अमेरिकी श्री श्रेणी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीता है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया था। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया की साक्षी सिन्हा पहली रनरअप तथा यूनाइटेड किंगडम की अनुषा सरीनी दूसरी रनरअप रही। तो आपके इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था, वो न्यू जर्सी अमेरिका में हुआ है। और ये जो श्री श्रेणी है उन्हें ये किताब मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का 2018 का। ठीक है, तो इसी तरह एड्यूचैम्प लाइव क्लासेस पे हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते हैं डेली। तो आपको ये टॉपिक कैसे लगते हैं, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम से हेल्प कर रहे हैं, इसका हमें आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और हम इस जो सेक्शन है इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी हमें आप ज़रूर बताएं कि आप इसमें और कुछ नया ऐड करें, कुछ एडिशन इसमें लगाएं, तो वो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, सुझावों का इंतजार रहेगा। और एड्यूचैम्प लाइव क्लासेस को फॉलो करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि आप तक लेटेस्ट जो भी अपडेट हैं वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सके और आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके। उसके अलावा आप टेलीग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें, एड्यूचैम्प लाइव क्लासेस के नाम से हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में अपना जो भी जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक बन रहे थे हमने पूरी कोशिश करी कि सारे टॉपिक्स कवर हो गए हों इसमें। उसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।